हेलो। तो लेके आ चुकी हूँ मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी। तो आज मैं लेके आ चुकी हूँ 10 मिनट में बन के तैयार होने वाली मटन की एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, जो कि अगर आप लोग अपने घर वाले को एक बार खिला देते हो तो वो बार बार मांगेंगे आपसे। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना देरी किए हम लोग करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए ले ली हूँ कुकर ले ली हूँ मैंने, और फिर उसके अंदर मैं डाली हूँ 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को डाल के हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे उसको हाई फ्लेम पे। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज। फिर उसके बाद प्याज को आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देना है। पहले प्याज को छील के अच्छे से धो लेना है, उसके बाद उसको मीडियम साइज़ में कट करके उसको अच्छे से ऐड कर देना है तेल में, और इसको ब्राउन करना है। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल इस तरह से चला चला के इसी पे ब्राउन करना है प्याज को। ये देखिए अब मैं इसको प्याज को ब्राउन करने लगी हूँ। प्याज को बिल्कुल जिस तरह से हाई फ्लेम पे रख के आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन करना है। ये देखिए प्याज जो है अब मेरा गलना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी होने लगा है। तो अब मैं बिल्कुल इस तरह से इसको रख के ब्राउन करूँगी थोड़ा सा। तो हो चुका है मेरा प्याज रेडी। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पहले फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा वो हो गया था, इसके लिए मैं थोड़ा फ्लेम को लो कर दूंगी। और अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 1 kg मैंने मटन ले ली थी, हड्डी वाले, मतलब पूरे हड्डी नहीं, हड्डी और चिकन, हड्डी और मटन जो है ना वो दोनों मिक्स हैं, तो वो मैंने ले ली थी 1 kg। और उसको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर दी थी, फिर इसके बाद उसको भी इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और अब फ्लेम को कर देंगे हाई, क्योंकि हम लोग ने मटन को ऐड कर दिए हैं, तो इसका गलना ज़रूरी है इसके लिए, और ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए भी फ्लेम को हाई कर देना है। उसके बाद इसको चलाते रहना है अच्छे से। तो ये देखिए जो हमारा मटन है वो अब गलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी देर के बाद डालूंगी 1 चम्मच में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर उसको भी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, चला लेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से चला लेना है, जो मटन है उसमें पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है। तो अब पेस्ट मेरा पूरा मिक्स हो चुका है, और पानी में भी जो उसमें पानी था उसमें भी अच्छी उबाल आ चुकी है। जो हमारा मटन है उसमें थोड़ा सा पानी निकला है, तो उसमें भी अच्छी उबाल आ रही है, और जो मटन है वो भी गल रहा है हाई फ्लेम पे। हम लोग मैंने हाई फ्लेम रखी हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल इसी तरह से छोड़ देंगे गलने के लिए हाई फ्लेम पे। और अब थोड़ी देर के बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो उसमें मैंने ले ली हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, और अब 1 चम्मच भर के मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और अब 1 चम्मच नमक डालेंगे। आप लोग स्वाद अनुसार नमक डाल लेना, आप लोगों को जितना मतलब टेस्ट है उतना डाल लो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और फिर अब हम लोग 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। सब मसाला पाउडर हम लोग ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सब जो मसाले हैं उसको सबको मटर के साथ में और प्याज के साथ में अच्छे से मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस तरह से इसको चला चला के मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरा जो मसाला है उसको सबको मिक्स कर दी हूँ, और अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम पर छोड़ देंगे गलने के लिए, ताकि जो मसाला है सब अच्छे से गोश्त मटन जो है हमारा उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब थोड़ी देर के बाद हम लोग इसके अंदर डालेंगे, मैंने कुछ पालक ले ली थी, 1 गड्डी मैंने पालक ली थी और 1 गड्डी सोया ली थी, उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी कट करके अच्छे से। फिर इसके बाद उसको कट करके डालने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको चला लेंगे अच्छे से, जो हमारा पालक है उसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे बस ये टेस्ट के लिए चाहिए था, इसके लिए मैंने सब 1-1 गड्डी ही ली थी। फिर इसको सबको अच्छे से मिलाने के बाद इसको छोड़ देंगे बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है
मटन और जो पालक है वो भी गल जाए। पालक को मैंने बाद में इसलिए डाली हूँ क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाता है, उसको गलने में टाइम नहीं लगता, इसके लिए मैंने उसको बाद में डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा गल जाएगा तो दिखेगा भी नहीं वो हमारी रेसिपी में, इसके लिए मैंने उसको बाद में डाली हूँ। और मटन को पहले इसलिए डाली क्योंकि उसको टाइम लगता है गलने में, तो उसको पहले डालती हूँ ताकि वो जल्दी गल जाए और जो हमारी 10 मिनट की रेसिपी है वो कम्प्लीट हो सके। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और ऐसा थोड़ा मिला के फिर इसके बाद इसको इसका ढक्कन लगा दूँगी। और इसको 4 से 5 सीटी लगा लेना है बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए। तो अब मैं खोल देती हूँ इसको और देख लेती हूँ जरा। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा है और जूसी भी हुआ है हमारा मटन। तो इसको मैं अच्छे से एक बार चला लूँगी, और जो पानी है वो भी अब सूख चुका है, इसको मैं चला लूँगी पहले अच्छे से एक बार, ये देखिए। तो अब मैं वापस से इसको थोड़ी ऐसे ही खोल के और इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चला चला के और इसको थोड़ा सा भूनूंगी, गलाऊंगी थोड़ा सा मटन को ऐसे ही खोल के, और हाई फ्लेम करना है। और जब इसका पानी जो है वो डबकते रहेगा, मतलब वो उबलते रहेगा, तो इसको बिल्कुल इसी तरह से छोड़ के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है ये और अच्छे से गल जाए। ऐसे सीटी लगाने के बाद तो ये गल ही चुका है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा भूज लेना है। तो अब हम लोग इसको बिल्कुल इसी तरह से थोड़े थोड़े देर पे, एक एक दो दो मिनट पे इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि ये चिपके नहीं मसाला नीचे। तो इसको इसी तरह से बिल्कुल 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही करना है, इसको थोड़ी थोड़ी देर पर छोड़ छोड़ के चलाते रहना है। तो ये देखिए मैंने 2 से 3 बार इसको चला ली थी बिल्कुल इसी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए, इसको मैंने थोड़ी थोड़ी देर पे छोड़ छोड़ के चला ली थी। और अब जो रेसिपी है वो हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी, और इसके अंदर जो कलर और टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ चुका है, और जो मटन है हमारा वो भी बहुत अच्छा जूसी दिख रहा है। तो अब मैं इसको वापस से एक बार और चला लूँगी, जितना हो सके उतना हम लोग को मसाले को भूनना है ताकि टेस्ट अच्छा आ सके मटन के अंदर। तो अब ये हो चुकी है हमारी रेसिपी जो है वो हो चुकी है रेडी। तो अब फ्लेम को कर देंगे बंद और मैं आप लोग को इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। और गाइस आप लोग मेरे वीडियो पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ऐसी कोशिश करती रहूँगी और आप लोग के लिए ऐसी अमेजिंग रेसिपीज लेके आती रहूँगी। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप लोग हर किसी को करते हो। तो ये मेरी रेसिपी हो चुकी है बन के रेडी, और मैं इसको आप लोग को सर्व करके भी बता देती कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी रेसिपी। और नेक्स्ट रेसिपी आपको कौन सी चाहिए वो मुझे कमेंट में बता देना, और इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल 10 मिनट बनके तैयार होती है रेसिपी। तो ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए आप लोग कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, और ट्राई करके एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।